अस्सलामुअलैकुम, आसिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं टमाटे की चटनी। में टमाटे को काट के रखे हूँ दो टुकड़े में, इस तरह मैं काट के रखे हूँ दो टुकड़े में, तो इसे हम तवे पे डाल देते हैं एक एक करके। ये देसी टमाटर है, आप कोई भी टमाटर ले सकते हो, तो लेकिन चटनी बनाने के लिए देसी टमाटर का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे 3 से 4 मिनट में इसे आप रख देती हूँ गैस पे। मैं सारी चीज़ें को इधर तैयार करके रख ली है, तो एक बार देख लेते हैं। तो 5-6 लहसुन के कली है, उसे मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। स्वाद अनुसार नमक, 2 टुकड़ी कोयला है, थोड़ी सी राई का तेल चाहिए हमें, थोड़ी सी कोथमीर, 1 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 से 4 बारीक बारीक मैंने हरी मिर्च को काट ली है। तो चलते हैं फटाफट, अब हम गैस की तरफ चलते हैं, हमारे टमाटर सेके कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखते हैं हम हमारे टमाटर सेके कि नहीं, तो एक बार हम छुरी से इसको डाल के देख लेते हैं गले के हैं। तो सेक गए अच्छे से, इसके चमड़ी निकल रहे हैं, आप देख रहे हो कितने अच्छे से सेक गए हैं। ऐसे अब हम निकाल लेते हैं सारे को एक डिश में फटाफट। ऐसी चटनी बनाओगे तो आपको चावल, रोटी, पराठा के साथ खा सकते हो, इतनी टेस्टी ज़बरदस्त लगती है ये चटनी। तो हमने सारे को निकाल लिए है, अब इसके हम छाल निकाल देते हैं फटाफट। चलते फटाफट हम जल्दी से छाल निकाल लेते हैं अब इसका। अभी गर्म है तो अच्छे से निकल जाएगा, देख रहे हो कितने अच्छे निकल गए ये। तो देख रहे होगे कितने अच्छे से सारे छाल निकल गए। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसे हम अच्छे से मस लेंगे, क्योंकि टमाटर ठंडे हो गए अच्छे से। मैं आपको देखोगे कितना अच्छा सा सारा टमाटर मैश हो गए। इसमें हम सारी चीज़ें जो हमने आपको बताए थे तैयार करके रखे वो सारे चीज़ें डाल देते हैं। अब सारे को मैं हाथ से नहीं मिलाऊंगी बल्कि चम्मच से करूंगी, क्योंकि तीखा हो जाता है तो हाथ में जलन आ जाएगी मर्चा से, इसलिए मैं वो करूंगी काटे चम्मच से कर लेती हूँ। इसमें हम अब कोयले के अंगार का एक अच्छा सा फ्लेवर दे देंगे। तो हमारा मैस हो गया है, तो हमने कोयला इसमें रख लिया है आग बना के, मैं अंगार करके आप देख रहे होंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी राई का तेल, आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम सारे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो 5 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे। 5 मिनट हमारी हो गई है, खोल के देखते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। याद रहे कि राई तेल से ही हमें बघार लगाना है, दूसरा मीठा वगैरह कोई तेल से नहीं। तो हमारा टमाटे की चटनी तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फिर हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।